राजस्थान मेडिकल ऑफिसर भर्ती से रिलेटेड जो एडिट विंडो अभी ओपन हुआ है, अभी 22 नवंबर 2022 से लेके और 28 नवंबर 2022 तक का है। बहुत सारे लोगों का इसमें यह डाउट है कि इसमें एडिट क्या करना है, क्या नहीं कर सकते, अभी क्या हो रहा है और कौन सी चीज़ें तो आप एडिट कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख लीजिए, व्हाट डू आई डू इफ़ आई हैव सबमिट रॉन्ग डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन RHS वेबसाइट। तो प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल केयरफुली एज यू कैन मॉडिफाई योर बेसिक पर्सनल डिटेल्स ओनली इन एडिट विंडो। आप आपकी बेसिक डिटेल्स ही पर्सनल जो है वो एडिट कर सकते हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन की विजिट RHS रेगुलरली। हाउएवर द इंफॉर्मेशन सबमिट इन द स्टेप वन रजिस्ट्रेशन आर नॉट एडिटेबल। मतलब आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट स्टेप में, इसमें दो स्टेप थे, एक स्टेप वन था एंड स्टेप टू था। स्टेप वन में जो डिटेल्स आपने फिल की थी वो आप एडिट नहीं कर सकते हैं एडिट विंडो में। इसके अलावा भी आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे आपका ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका एड्रेस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। स्टेप वन जो आपने रजिस्टर किया था उसमें कोई भी एडिट कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरा सवाल ये है बहुत लोगों का कि अभी तक जिनका RMC नहीं बना था, अभी बन गया लेकिन एडिट विंडो ओपन हो गया, फिर भी वो लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न एक ये है कि RMC जो अभी तक जिनका नहीं बना था और जो अभी बनवा लिए हैं और अपलोड करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये अलग से विंडो, मतलब ये फिर से खोलेंगे, लेकिन वो कब खोलेंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन बाद। क्योंकि पहले एग्ज़ाम की डेट 30 नवंबर थी, जिसके हिसाब से इन्होंने 1 से और 2 दिसंबर डेट दिया हुआ था। क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है RHS की भर्ती का वो ये है कि एग्ज़ाम डेट जो होगा कोई भी हो, अभी 30 था, जैसे 21 हो गया, तो जिस दिन जो डेट वो एग्ज़ाम की होती है उसको वो लास्ट एलिजिबल डेट मानते हैं, अगर एक्सटेंड डेट होता है तो भी। तो इस केस में आप 21 दिसंबर 2022 तक भी अगर आप RMC बनवाते हो तो भी आप MO की भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया हो आपने लेकिन और अभी RMC नहीं बना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम जब तक होता है उस तब तक बनवा के आप अपलोड कर सकते हो। तो परमानेंट जिनका बना है या जिनका नहीं बना है या बनवा रहे हैं जो लोग, वो एग्ज़ाम के बाद 1 या 2 दिन में, मतलब आप साइट चेक करते रहना, इसके लिए अलग से एक नोटिस आएगा और आप उसमें अपलोड कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जो है ये लिखा हुआ है। जैसे पहले 30 नवंबर का था डेट, अभी लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया है, अभी 1 दिसंबर कर दिया है। तो अपलोड ऑफ परमानेंट RMC रजिस्ट्रेशन इफ़ नॉट अपलोडेड इशू अर्लियर द इशू डेट ऑफ दिस परमानेंट RMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2022। ये इसलिए इन्होंने दिया क्योंकि 30 नवंबर पहले एग्ज़ाम डेट थी। अब चेंज तो उसके बाद आप 1 से 2 दिसंबर को चेंज कर सकते थे RMC का सर्टिफिकेट, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट 21 दिसंबर हो गई है, तो आप परमानेंट 21 दिसंबर के बाद ही, एग्ज़ाम के बाद ही अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू।